सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़ रही थी GIT पैथोलॉजी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा। आई एम सॉरी एक दो दिन वीडियो नहीं आ सकी बिकॉज कुछ इशूज़ थे। तो इंशाल्लाह आई एल ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल। तो सीन ये है, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, हमने स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन लाइक हमारे जो बावल होती है वो स्टार्ट की हुई थी, जिसमें से डायरियल डिजीजेज करनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि डायरियल डिजीजेज जो है वो पूरी की पूरी कभी भी नहीं की जाती बिकॉज इसमें अभी तो मैं आपको ये कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी ना, और फिर मैं आपको कुछ मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया की टाइप्स बताऊंगी, जिसमें से सीलिक डिजीज काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके पास बहुत सारे इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डायरिया। अब इन्फेक्शियस डायरिया में एक रेंज ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं जो आपके डायरिया कॉज करते हैं, और वो सारे आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो आपको माइक्रोबायोलॉजी की वजह से आते होते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको नहीं भी आते तो भी उनमें से डिटेल्स कभी भी वो आपसे नहीं पूछेंगे बिकॉज दे आर नॉट द मेन कंसर्न ऑफ द पैथोलॉजी विद रिगार्ड्स टू योर एग्जाम्स, लेकिन वो आपकी माइक्रोबायोलॉजी का मेन कंसर्न है। इस वजह से उसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो मैं उनका सिर्फ आपको नाम के साथ एक एक बात बताऊंगी सो दैट हम इंपॉर्टेंट चीजों को पहले कवर करें। ठीक है, सो नाउ गोइंग ऑफ द डायरियल डिजीजेस। तो डायरिया की सबसे पहली बात, आपको पता है हजार दफा आप सुनते हैं, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि आपके कम से कम 3 लूज स्टूल्स पर डे आपके अगर होंगे तो डायरिया कंसिडर होगा, 3 या मोर देन 3। अगर आपके 3 स्टूल्स हैं और लूज नहीं है तो भी डायरिया नहीं है, और अगर 3 से कम है यानी 2 लूज स्टूल्स किसी ने किए तो भी डायरिया नहीं है। मोर देन 3 लूज स्टूल्स इन 1 डे या 24 आवर्स, जिसको आप कहते हैं, जो कि लूज वाकई में लूज होने चाहिए, लाइक उनके फ्लूडिटी के हिसाब से दे शुड नॉट बी सेमी सॉलिड ऑल्सो। ठीक है, वो लूज होने चाहिए तो उसको हम डायरिया कहते हैं। और अगर आप ग्राम्स में कहते हैं तो 200 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा अगर आप फ्लूडिटी में स्टूल्स करते हैं तो उसको डायरिया कहा जाता है। तो डायरिया की डेफिनेशन आपसे हर जगह पूछी जाती है, मेडिसिन में, पीड्स में, इवन पीडियाट्रिक्स में। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना डायरिया और पूरा डायरिया का कॉन्सेप्ट, बिकॉज या बच्चों की तो ना जानलेवा बीमारी हो जाती है। तो इस वजह से आपको अच्छे से इसको आना चाहिए, मतलब ये बात आपके जहन में ऐसे हमेशा जबान पे होनी चाहिए। कोई डायरिया का नाम ले रहा है तो उसको आपका पता चल जाना चाहिए। फिर डायसेंट्री, आपको पता है कि जो ब्लडी डायरिया होती है, डायरिया कंटेनिंग ब्लड इन इट इज नोन एज डायसेंट्री। सिंपल डायरिया को हम कभी भी डायसेंट्री नहीं कहते, ये पुरानी बातें हैं। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें हमने डायरिया को डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन के वो किस, मतलब पॉजिटिव बेसिकली कॉज की वजह से, हमने एक हद तक आप समझ लें। सबसे पहले जो है वो सिक्रीटरी डायरिया है। सिक्रीटरी डायरिया का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टूल है वो, मतलब जो भी पास कर है पेशेंट, वो बिल्कुल ब्लड के साथ आइसोटोनिक है। मतलब ये है कि हमारे पास जो जनरली हम कहते हैं ना कि डायरिया हो जाता है, मतलब मोस्ट कॉमनली जो होता है, जो नॉर्मली खाने के बाद हो जाता है, फूड पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं, वो सिक्रीटरी टाइप ऑफ डायरिया होता है, जिसमें हमारे पास जो खाना है वो हजम नहीं होता हमारा, क्योंकि वी हैव लाइक समथिंग, कुछ ऐसी खा ली है जो कि रिएक्ट कर गई, या फिर कोई ख़राब खाना खा लिया, तो उस केस में आपके डायरिया में एक्सेसिव सिक्रीशंस भी रिलीज हो रही होती हैं, और बिल्कुल उतनी ही जितनी आपकी सिक्रीट हो रही होंगी। नहीं, अच्छा जी, तो पहली जो टाइप हम इसकी पढ़ेंगे वो है सिक्रीटरी डायरिया। सिक्रीटरी डायरिया में बस आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपके फ्लूइड की कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी भी नहीं मैं कहूँगी, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल आइसोटोनिक होती है विद द ब्लड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से। इस वजह से आइसोटोनिक से मुराद है कि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होंगे वो उतने ही होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो इसमें हो रहा होता है ना प्रॉब्लम, वही कि सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा निकल रही होती हैं फ्रॉम योर, या तो आपके स्टमक से, या स्मॉल इंटेस्टाइन से, या लार्ज इंटेस्टाइन से, किसी भी एक जगह से ओवर सिक्रीशन हो रहा होता है। ठीक है, कॉजेज की अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कॉज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़ आपने खा ली है, कोई मेडिसिन ले लिया जिसने सिक्रीशंस को इन्हांस कर दिए, तो ये जो डायरिया होता है ना, फास्टिंग हो या खाना पीना, ये दोनों टाइम पे परसिस्ट करेगा। कुछ ऐसी डायरिया की टाइप्स है ना जो खाने से एसोसिएटेड होती हैं, कि आप कुछ खाएंगे तो ही डायरिया होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। ये डायरिया हर टाइम होगा क्योंकि ये आपके खाने से एसोसिएटेड नहीं है, ये सिक्रीशन ज़्यादा बनने से है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डायरिया कंटिन्यूज इन फास्टिंग। ये जो ऑस्मोटिक डायरिया है ना, ये तब होता है हमारे पास जब वी हैव अ हॉर एंजाइम जिसको हम कहते हैं लैक्टेज, और वो जो लैक्टेज एंजाइम है ना वो आपके ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और इस लैक्टेज ने डाइजेस्ट करना होता है लैक्टोज को, और जाहिर सी बात है फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये लैक्टेज एंजाइम जिन लोगों में होता है डेफिशिएंट, उनमें डाइजेशन नहीं हो पाती लैक्टोज की, जब जब वो लैक्टोज लेते हैं तो वो लैक्टोज उनका डाइजेस्ट नहीं होता। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो लैक्टोज उनका डाइजेस्ट नहीं होता। वो डाइजेस्ट नहीं होता तो वो ल्यूमेन में पड़ा रहेगा। ल्यूमेन में आपको पता है कि जब भी कोई बड़ी चीज़ पड़ी हुई होती है, कोई मेजर सॉल्यूट पड़ा हुआ होता है, तो हमेशा वो अपनी तरफ वाटर को खींचता है, ठीक है। तो ये भी लैक्टोज जब ल्यूमेन में पड़ा हुआ होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये ल्यूमेन की में
वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये अपने पास वाटर वगैरह को खींचेगा तो उस टाइप ऑफ डायरिया को हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायरिया, जिसमें ऑस्मोसिस हुआ है वाटर का टुवर्ड्स द सोल्यूट। ठीक है, तो ये वाला डायरिया आप खुद देख लें कि फास्टिंग में तो नहीं होगा, बिकॉज ये डायरिया सिर्फ तब होगा जब लैक्टोज आएगा ल्यूमेन में, लैक्टोज नहीं आएगा तो ये डायरिया नहीं हो सकता। तीसरा है जी आपका मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया, जिसका साफ पता चल रहा है कि जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स नहीं हो रही। मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया में मैं आपको बताऊंगी, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास चार स्टेजेस में पूरी जो भी हम खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी चार स्टेजेस होती हैं एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, उनमें से किसी भी एक स्टेज में मसला होगा तो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी, और बात वही आ जाती है कि मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया में कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी आप खा रहे हैं जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो यहाँ पर एज अ एक्टिव सोल्यूट एक्ट करेगी और वो वाटर को भी खींच लेगी और डायरिया हो जाएगा। तो ऐसा डायरिया भी जो मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया है वो आपके खाने पीने से के साथ एसोसिएटेड है, जब जब खाएंगे तब तब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तब तब डायरिया होगा, जब नहीं खाएंगे तो डायरिया नहीं होगा, फास्टिंग में डायरिया नहीं होगा। और तीसरा है जी आपका एक्सुडेटिव डायरिया। एक्सुडेटिव डायरिया आप समझ लें इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ डायरिया, जिसमें आपकी जो वॉल है इसकी ल्यूमेन का, जो आपका गट का ल्यूमेन है स्पेशली स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का, इसमें इन्फ्लेमेशन होगी और उस किसी भी वजह से हो सकती है किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ने कर दी है, और इंक्रीज उससे मतलब उस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ने वहाँ पर एडिमा और इंक्रीज सिक्रीशंस किया हुआ है। तो ऐसे डायरिया का भी खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, और उस वजह से सिक्रीशन ज़्यादा बन रही है, वो ज़्यादातर प्यूरलेंट ब्लडी टाइप ऑफ सिक्रीशन होती हैं, जिसको फिर हम डायसेंट्री कहते हैं। तो एक्सुडेटिव डायरिया में भी फास्टिंग में भी कंटिन्यू करता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हम डिटेल में ज़रा करते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया एंड सीलिक डिजीज़ को। मैं आपको कही थी कि अब हम स्टार्ट करते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया को। मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया से हमने पहले स्टार्ट किया बिकॉज बाकी जो है ना वो हम करेंगे सही, लेकिन जाहिर है जब सबकी बारी आएगी तब करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा सा जितना ज़रूरत होगा हमारे एग्जाम के हिसाब से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो विद द मैल एब्जॉर्प्टिव वन। बता दिया था मैंने आपको कि जब हमारे पास डायरिया इस किस्म का हो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या जो कुछ हम खा रहे हैं जनरली, हो सकता है उसमें से किसी की भी एब्जॉर्प्शन ना हो, डिफेक्टिव हो, या फिर उसमें किसी किसी स्पेसिफिक चीज़ की एब्जॉर्प्शन ना हो रही हो, तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो ल्यूमेन में स्टे करेगी। एक तो ये कि वो ल्यूमेन में ऑस्मोटिक फोर्सेस को एक्टिवेट करेगी और डायरिया हो जाएगा, और दूसरा ये कि हो सकता है कि वो आपके एपिथीलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज भी कर दे। ठीक है, सो जनरली मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया में हमारे पास हम देखते हैं, अगर आप देखें मतलब जनरल, अगर बहुत जनरल बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत कॉमन मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट हो जाती है, बिकॉज ऑफ अगर आप बाइल एसिड की कमी है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि फैट एमल्सिफिकेशन नहीं करी, तो आपने अक्सर देखा होगा कि फैट्स जो हमारी स्टूल है उसका कलर चौकी वाइट या इस किस्म का हो जाता है, उसको हम स्टीटोरिया कहते हैं, कि फैट की एक्सक्रीशन होने लग जाए हमारे स्टूल में, क्योंकि फैट अनएब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, तो बहरहाल एक इसकी तरीके है, वो समझने से पहले जरा मैल एब्जॉर्प्टिव डिजीजेस की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एब्जॉर्प्शन के चार स्टेप्स बता दूं, ताकि आप इस डायरिया को अच्छे से समझ सकें। आपको पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टिन में एब्जॉर्प्शन होनी, और स्मॉल इंटेस्टिन में वी हैव जाहिर सी बात है एक पूरी इंटेस्टिन की वॉल है, और हर इंटेस्टिन की वॉल में चार चीज़ें होती हैं, म्यूकोजा होता है जिसमें एक एपिथीलियम है और एक है लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, फिर सब म्यूकोजा होता है, फिर मस्कुलरिस म्यूकोजी होती है, और फिर है हमारे पास सिरोजा। सिरोजा इसलिए क्योंकि जहाँ पर पेरिटोनियम की कवरिंग आती है वहाँ पर हम सिरोजा कहते हैं, जहाँ नहीं आती वहाँ एडवेंटिशिया कहते हैं। तो ये चार लेयर्स पूरी जीआईटी में और यही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है। अब स्मॉल इंटेस्टिन में जब डाइजेशन होनी है, कोई चीज़ स्टमक से स्मॉल इंटेस्टिन में एंटर हो गई है, तो स्टमक से जब वो चीज़ आगे आती है तो उसको हम कायम कहते हैं। आपने याद होगा ये पढ़ा था लफ्ज़ कायम, क्योंकि वो सेमी लिक्विड सी कंडीशन में आ चुकी होती है, उसे हम कायम कहते हैं। सबसे पहले वो आएगी ल्यूमेन में, ठीक है, दिस इज द ल्यूमेन। ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टिन में डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए। वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, कुछ ड्यूडिनम सिक्रीट करता है, ड्यूडिनम के अपने हार्मोन जो एपिथीलियम है उसमें से भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं, कुछ जो है वो आपके पास बाइल एसिड के थ्रू आते हैं, कुछ आपके पास पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू आते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आके ड्यूडिनम में एम्प्टी होती हैं, बाइल एसिड भी आता है, पूरा बाइल आपके पास आती है यहाँ पे, उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस भी आता है। तो ये जब सारी चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम्स काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं जो चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो एक सबसे पहला जो पोर्शन डाइजेशन का होता है वो ल्यूमेन में होता है, विच इज़ कॉल्ड एज ल्यूमिनल डाइजेशन। अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ होगी जो आपके पेनक्रियाज को प्रॉब्लम दे रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, आपके बाइल एसिड में प्रॉब्लम दे रही है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से ल्यूमिनल डाइजेशन इफेक्ट होगी, क्योंकि ल्यूमेन में वो एंजाइम्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास ना एक टेबल बना हुआ है मीडियम रॉबिन्स में, टेबल 15.3 के नाम से, जिसमें उन्होंने बहुत सारी डिजीज़ को लिस्ट की है जो मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया कर सकती हैं, और उन्होंने बताया है कि कौन सी डिजीज़ में
किस लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। अब वो जो टेबल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एमसीक्यूज में आ जाया करते हैं। टेबल नहीं आता उसमें से कोई भी एक डिजीज उठा के वो दे देंगे, सपोज वो दे देंगे बैक्टीरियल एंटराइटिस और वो पूछेंगे कि ये चार लेवल्स में से कौन से लेवल में बैक्टीरियल एंटराइटिस में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो आपने अपने जहन में इन बातों को रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रॉब्लम कर सकती है। अभी मैंने आपको कहा कि ल्यूमेन में चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, स्टमक से आ रहा है काइम, इंटेस्टिन सॉरी ड्यूडिनम लिवर से आ रही है बाइल और पेनक्रियाज से आ रहा है पेनक्रियाटिक जूस। ये सारी चीज़ें एंजाइम्स लेके आ रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी लिवर में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी स्टमक में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी पेनक्रियाज में, तो ल्यूमिन में एंजाइम्स में कमी आएगी और ल्यूमिनल इनडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो ल्यूमिनल डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको पता है कि ये जो हमारे पास एपिथीलियम है स्मॉल इंटेस्टिन का, अगर मैं इसको बड़ा करके बनाऊँ, इसको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर में बनाऊँ, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो हमारे पास ऐसे लंबे लंबे क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमेशा होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टिन में खास बात है क्योंकि यहाँ एब्जॉर्ब होने होते चीज़ें, तो इन क्रिप्ट्स के ऊपर छोटी मजीद ब्रश बॉर्डर होता है जिसको हम कहते हैं विलाए, ऐसा ही है ना, इन क्रिप्ट्स के टॉप पे होता है। अब क्या है कि जो ये ब्रश बॉर्डर है हमारे स्मॉल इंटेस्टिन का, इसके पास मजीद कुछ एंजाइम्स होते हैं। जब ये चीज़ें ल्यूमिन में डाइजेस्ट हो जाती हैं, फिर ये एब्जॉर्ब होने के लिए एपिथीलियल सेल्स के करीब आती हैं। जब ये एपिथीलियल सेल्स के करीब आते हैं तो यहाँ ब्रश बॉर्डर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वहाँ वो ब्रश बॉर्डर के एंजाइम्स उनको इसी जगह पर भी डाइजेस्ट कर देते हैं। वो डाइसैक्राइडेज़ होते हैं, वो प्रोटीएज़ होते हैं, वो उनको यहाँ ल्यूमिन में ही डाइजेस्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ ब्रश बॉर्डर, इस जगह पर। ठीक है, डाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल डाइजेशन की। अभी तक है ल्यूमिन में ही है लेकिन बिल्कुल ब्रश बॉर्डर के करीब है, वहाँ डाइजेशन हो रही है। उसके बाद वो एपिथीलियम से ट्रांसपोर्ट होकर लेमिना प्रोप्रिया में आ जाता है। ठीक है, चीज़ जो भी थी वो एपिथीलियम से वो ट्रांस एपिथीलियल ट्रांसपोर्ट है और फिर लेमिना प्रोप्रिया में उसकी प्रोसेसिंग होनी होती है। कुछ काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब उसकी ट्रांस एपिथीलियल ट्रांसपोर्ट है। अब जितनी भी डिजीजेज हैं ना जो आपका कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कर रही हैं या कोई इन्फेक्शन कर रही हैं या ऑटो इम्यून नेचर की हैं, वो आपके एपिथीलियम को डिस्ट्रॉय करती हैं। आपको पता है इन्फेक्शन होगा अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एपिथीलियम डिस्ट्रॉय होगा, अगर आपका कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो एपिथीलियम और लेमिना प्रोप्रिया सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी तो वो भी हो सकता है आपके एपिथीलियम को डिस्ट्रॉय करे। तो उसमें अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ आ जाएगी तो आपसे पूछे होंगे कौन से लेवल में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहेंगे टर्मिनल डाइजेशन, क्योंकि टर्मिनल डाइजेशन इज नियर द एपिथीलियम ब्रश बॉर्डर एंड ट्रांस एपिथीलियल ट्रांसपोर्ट, ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ठीक हो गया, उसके बाद आखिरी ये लेवल होता है कि चीज़ या तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है या लिम्फैटिक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई फैट्स होंगे तो वो मोस्ट कॉमनली लिम्फैटिक्स में जाते हैं और बाकी चीज़ें ब्लड में चली जाती हैं। तो कोई डिजीज़ अगर आपके लिम्फैटिक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है तो वो लेवल 4 पे आके इफेक्ट करेगी, जिसमें एक डिजीज़ है विपल डिजीज़, बैक्टीरिया की वजह से वो एक डिजीज़ होती है और वो लिम्फैटिक्स को आपकी डिस्ट्रॉय करती है, तो उसकी वजह से लिम्फैटिक ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। तो ये मैंने आपको पूरा टेबल भी समराइज कर दी जो आपकी उसमें बना हुआ है। अब ये वीडियो बहुत लंबी होगी, बाकी हम अगले पार्ट में बात करते हैं। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी, थैंक यू।